कानपुर विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, और साथ ही वो अपनी तैयारी करते रहें गणतंत्र दिवस की भी और अपनी परीक्षा की भी, क्योंकि 5 मार्च से प्रस्तावित हैं। तो मैं ये आज से प्रथम प्रथम जो प्रश्न पत्र है, और वो तो पढ़ा ही रहा हूँ, अब ये मैं सेकंड पेपर जो ऑब्जेक्टिव है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो इस बार होना है वो प्रथम प्रश्न पत्र होना है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव होना है, प्रथम सब्जेक्टिव होना, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काव्य है, वो प्रथम प्रश्न पत्र है, वो सब्जेक्टिव होना यानी उसको लिखना है। और ये जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये सेकंड पेपर है यानी द्वितीय प्रश्न पत्र, इसको आपको केवल टिक करना है। तो मैं आज मॉडल पेपर दे रहा हूँ, मैं रोज मॉडल पेपर कुछ ना कुछ मैं दिया करूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और कर नहीं लिया है तो कर लेना, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ वेद कितने होते हैं। सारी दुनिया जानती है वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 होते हैं। पंचम वेद कौन सा होता है? नाट्य वेद, और नाट्य शास्त्र भी कभी कभी लिख के आ जाता है, क्योंकि जो नाट्य है और ये नृत्य धातु से निकला हुआ शब्द है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र अगर पूछ लिया जाए तो भरत मुनि है, आगे इसी में है प्रश्न, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने रचा, और उसी नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई, नाम दिया गया। तीसरा प्रश्न है कि किस विद्वान ने नाटक को पंचम वेद, मैंने अभी बताया भरत मुनि ने कहा, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? भरत मुनि ने कहा। नाट्य शास्त्र किसने रचा, अभी मैं बता रहा था नाट्य शास्त्र किसने रचा, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। अधिकांश आलोचकों द्वारा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? आनंद रघुनंदन। अधिकांश आनंद रघुनंदन मानते हैं हिंदी का प्रथम नाटक, अधिकांश लोग। लेकिन है कौन हिंदी का प्रथम नाटक? नहुष है, गोपाल चंद गिरधर दास वाला। और उस नहुष को किसने माना था? भारतेंदु हरिश्चंद ने माना था। गोपाल चंद गिरधर दास कौन थे? वो भारतेंदु हरिश्चंद जी के पिता थे। नाट्य संधियां कितनी होती हैं? नाट्य संधियां 5 होती हैं। तो नाट्य संधियां 5 होती हैं, 5-5 की संख्या में अर्थोपक क्षेपक 5 होते हैं। मैं उसकी पीडीएफ किसी न किसी दिन उपलब्ध करवा दूंगा। और नाट्य संधियां 5 होती हैं, 5 याद रखिए, ज्यादातर 5 ही 5 भेद होते हैं। अभिनय की दृष्टि से कथा प्रसार, अभिनय की दृष्टि से कथा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं अभिनय, सूच्य और दृश्य, ठीक है। अभिनय की दृष्टि से सूची और दृश्य, अभिनय की दृष्टि से कथा है सा, यानी कि दोनों चीजें हैं, बताया ना दृश्य और सूच्य। तो अभिनय की दृष्टि से कथा क्या है? दृश्य और सूच्य है। मूल कथा होती है, मूल कथा क्या होती है? दृश्य होती है, और जो काल्पनिक कथा होती है वो सूच्य होती है। छोटी कथाएं जो आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूच्य कथाएं, कथाओं के अंतः कथाएं चलती रहती हैं, सूचना मात्र भी उनको दी जाती है, वो सूच्य कथाएं होती हैं। सूच्य कथा को नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं? सूच्य कथा में नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 होते हैं, अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी सूच्य कथा वस्तु के अंतर्गत अर्थोपक्षेपक आता है। मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में किसी न किसी के मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन का लिंक पीडीएफ ड्राइव का, और आपको उसमें पूरी के पूरी का पूरा विवरण मिलेगा। अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? 5 होते हैं, कई बार बता दिया। कार्यावस्थाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ठीक, ये भी 5 होती हैं, कार्यावस्थाएं भी 5 होती हैं, अर्थोपक्षेपक भी 5 होते हैं, संधियां भी 5 होती हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए, हाँ, निम्न में से संधियां संधि नहीं है, तो मुख प्रतिमुख ये पद्म्यताप्त नहीं है। विष्कम्भक चूलिका अंकाशक का उदा प्रवेशक क्या है? अर्थोपक्षेपक। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और उपसंहार क्या है? संधियां हैं। कथा वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 3 प्रकार से होता है। और निम्न में से कथा वस्तु के प्रकार नहीं है, फलागम,
ये पलागम विमान प्रकार डालेंगे नहीं सब है। व्हाट्सएप देखते हैं सब कह दिए ऊपर जाने समझने व्हाट्सएप खोले पर कौन दिए। अब कथा वस्तु के प्रकार नहीं है, फलागम नहीं है, ये कथा वस्तु नहीं है। ठीक, प्रख्यात उत्पाद और मिश्रित, ये मिश्रित गलत टाइप है, इसको देखिए मिश्रित कर लीजिए। ठीक है, मिश्रित, प्रख्यात उत्पाद और मिश्रित तीन प्रकार की कथा के वस्तु के प्रकार हैं। पौराणिक ऐतिहासिक कथा वस्तु क्या कहलाती है? प्रख्यात कहलाती है। ठीक है, प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कौन सा? जो पुराणों में है, इतिहास में, वो प्रसिद्ध है। काल्पनिक कथा संबंधित होती है। अब काल्पनिक कथा किससे संबंधित होती है? ये उत्पाद्य और मिश्रित दोनों में होती है, लेकिन उत्पाद्य अधिकतर काल्पनिक कथा उत्पाद के अंतर्गत आती है। उत्पाद मतलब कभी कल्पना से प्रसूत होता है। काल्पनिक और पौराणिक दोनों के समन्वय कौन सी कथा वस्तु कहलाती है? काल्पनिक दोनों के, तो ये मिश्रित होती है, दोनों चीजें मिश्रित, मिश्रण है ना काल्पनिक और पौराणिक का। तो नायक का विरोधी पात्र खलनायक होता है, यानी हीरो का गुंडा होता है ना, तो उसी प्रकार नायक का खलनायक होता है। नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो नायक चार प्रकार के होते हैं। अभी चार प्रकार में बता दे रहा हूं। देखिए, ये देखिए नीचे लिखे हैं, धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोद्धत। धीरोदात कौन से होते हैं? राम धीरोदत्त हैं, धीर प्रशांत, धीर ललित दुष्यंत है, और धीरोद्धत रावण, परशुराम आदि धीरोद्धत हो जाते हैं। ठीक है, तो नायक के चार प्रकार होते हैं। अब देखिए, दिव्या, नृपति, नार और गणिका किसके भेद हैं? ये नायिकाओं के भेद हैं। दिव्या नायिका होती है, नृपति नार होती है, गणिका होती है, नायिकाएं होती हैं। विद्वानों ने कथोपकथन के कितने भेद बताए हैं? तीन भेद। कथोपकथन के तीन भेद विद्वानों ने बताए हैं। नियत श्राव, सर्वश्राव्य और अश्राव्य किसके भेद हैं? ये कथोपकथन के भेद हैं। ठीक है, तो कथोपकथन के तीन भेद हैं, और तीन भेद कथोपकथन के कौन हैं? ये हैं, नियत श्राव्य, अश्राव्य और सर्वश्राव्य। नियत श्राव्य निश्चित पात्र सुने, निश्चित, सर्वश्राव्य सब सुने, अश्राव्य गिने चुने सुने।